एक मौसम के विपरीत लगातार तब्दीली देखने को मिलती है। येलो अलर्ट की गल की जा रही है भी जारी किया गया मौसम विभाग ने, तो की कारण है येलो अलर्ट जारी करने के, किस तरह का मौसम? जी मौसम दे विच जे असी वेरीएबिलिटी की गल करिए तो पिछले कुछ सालों के डेटे से सानू पता चलता कि वेरीएबिलिटी वैदर कंडीशन दे विच बहुत वध गई हैगी है। टैंपरेचर दे विच असी काफ़ी फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, जिवें कल का मैक्सिमम टैंपरेचर 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जदों के कल का नॉर्मल डे टाइम टैंपरेचर 20.8 डिग्री सेंटीग्रेड सी। और इसी तरह जो असी अज का मिनिमम टैंपरेचर देखिए तो 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जदों के अज का नॉर्मल मिनिमम टैंपरेचर 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो इस तरह दी जिहड़ियां वैदर कंडीशन है हुण प्रिवेल कर रही ने, बट जे असी पिछले सालों का भी डेटा देखिए तो ये वेरीएबिलिटी बहुत हैगी है। जिवें अज असी 21 असी जो मैक्सिमम टैंपरेचर 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया, पिछले साल इसी दिन 24.6 डिग्री सेंटीग्रेड सी, और जे असी 2019 का देखिए तो 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड सी। सो वेरीएबिलिटी बहुत ज़्यादा हैगी है। और जे असी आने वाली वैदर कंडीशन की गल करिए तो हले असी पिछे कोई WD सिस्टम नहीं ऑब्जर्व कर रहे, सो आने वाले दिनों दे विच बारिश की कोई प्रिडिक्शन नहीं है, बट क्योंकि टैंपरेचर दे विच असी गिरावट जरूर देख रहे हैं, अज का मिनिमम टैंपरेचर 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो आने वाले दो दिन IMD वालों फॉग वास्ते जरूर येलो अलर्ट जारी किया गया है, और संघनी धुंद किते किते या काफ़ी हिस्सों से असं कह सकते हैं कि पंजाब दे विच हो सकती है। हम कह सकते हैं कि जो बारिश वाला मौसम तो फिलहाल नहीं है, पर ठंड जी ड्राई ठंड है वो जरूर आने। जी बिल्कुल जी, वैसे तो कंडीशन क्लीयर और ड्राई रहनगी, बारिश की हले कोई प्रिडिक्शन नहीं है, बट फॉग जरूर हो सकती है, सो संघनी धुंध भी कुछ थावां ते एक्सपेक्टेड। जी मैम, एक मौसम के विपरीत लगातार तब्दीली देखने को मिलती है, येलो अलर्ट की भी गल की जा रही है भी जारी किया गया मौसम विभाग ने, तो की कारण है येलो अलर्ट जारी करने के, किस तरह का मौसम? जी मौसम दे विच जे असी वेरीएबिलिटी की गल करिए तो पिछले कुछ सालों के डेटे से सानू पता चलता कि वेरीएबिलिटी वैदर कंडीशन दे विच बहुत वध गई हैगी है। टैंपरेचर दे विच असी काफ़ी फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, जिवें कल का मैक्सिमम टैंपरेचर 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जदों के कल का नॉर्मल डे टाइम टैंपरेचर 20.8 डिग्री सेंटीग्रेड सी। और इसी तरह जो असी अज का मिनिमम टैंपरेचर देखिए तो 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जदों के अज का नॉर्मल मिनिमम टैंपरेचर 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो इस तरह दी जिहड़ियां वैदर कंडीशन है हुण प्रिवेल कर रही ने, बट जे असी पिछले सालों का भी डेटा देखिए तो ये वेरीएबिलिटी बहुत हैगी है। जिवें अज असी 21 असी जो मैक्सिमम टैंपरेचर 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया, पिछले साल इसी दिन 24.6 डिग्री सेंटीग्रेड सी, और जे असी 2019 का देखिए तो 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड सी। सो वेरीएबिलिटी बहुत ज़्यादा हैगी है। और जे असी आने वाली वैदर कंडीशन की गल करिए तो हले असी पिछे कोई WD सिस्टम नहीं ऑब्जर्व कर रहे, सो आने वाले दिनों दे विच बारिश की कोई प्रिडिक्शन नहीं है, बट क्योंकि टैंपरेचर दे विच असी गिरावट जरूर देख रहे हैं, अज का मिनिमम टैंपरेचर 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो आने वाले दो दिन IMD वालों फॉग वास्ते जरूर येलो अलर्ट जारी किया गया है, और संघनी धुंद किते किते या काफ़ी हिस्सों से असं कह सकते हैं कि पंजाब दे विच हो सकती है। हम कह सकते हैं कि जो बारिश वाला मौसम तो फिलहाल नहीं है, पर ठंड जी ड्राई ठंड है वो जरूर आने। जी बिल्कुल जी, वैसे तो कंडीशन क्लीयर और ड्राई रहनगी, बारिश की हले कोई प्रिडिक्शन नहीं है, बट फॉग जरूर हो सकती है, सो संघनी धुंध भी कुछ थावां ते एक्सपेक्टेड।